हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए ब्लॉग में। ये हमारा ब्लॉग नंबर है चौथा, जो कि हरिद्वार में ही अभी हम हैं। अब हम हरिद्वार से निकल रहे हैं ऋषिकेश की ओर, क्योंकि हरिद्वार से हमारा ट्रेन है 11 बजे रात्रि को। तो हमारे पास बहुत टाइम है अभी। अभी का टाइम आपको बता दें, अभी टाइम हो रहे हैं 10:30। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए हम अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए हम चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश हम कैसे पहुंचते हैं आप आगे वीडियो में देखते रहिएगा। अब हम पहुंच चुके हैं हाईवे पर, हर की पौड़ी से बाहर। यहीं पर ऑटो मिलती है ऋषिकेश के लिए, तो हम ऋषिकेश के लिए ऑटो पकड़ लिए और सीधा निकल गए हैं ऋषिकेश की ओर। तो हम सीधा निकल चुके हैं ऋषिकेश की ओर, अब हम सीधा आपको मिलते हैं ऋषिकेश। अब जब रास्ते में आप लोग जाइएगा तो दो कट मिलती है, जो लेफ्ट साइड में एक कट जाती है वो सीधा आपको पहुंच जाएगी देहरादून, और सीधा जो जाता है वो ऋषिकेश और श्रीनगर की ओर जाता है। तो ऑटो वाले ने हमें 60-60 रुपया पर पर्सन किराया लिया और हम दोनों भाइयों को छोड़ दिया ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर। तो त्रिवेणी घाट पर हम सीधा चल दिए, ये इसी रास्ते से त्रिवेणी घाट पे हम चलते हैं त्रिवेणी घाट पे। तो त्रिवेणी घाट पे हम फाइनली आ चुके हैं और हम चलते हैं नीचे गंगा मैया के घाट पे, जो कि त्रिवेणी घाट के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। तो हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट, जहाँ पे लोग देख सकते हैं, जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। काफ़ी प्रकार के अच्छी अच्छी यहाँ पहाड़ी गाने बज रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है। एक तरफ पहाड़, बीच में गंगा मैया बह रही है, यहाँ का दृश्य भी अच्छा है। वाकई देख सकते हैं, भीड़ भी ठीक ठाक ही है। बहुत ही अच्छा दृश्य था गंगा मैया के किनारे और ये पहाड़ के पास में। तो हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं किनारे, गंगा मैया के किनारे किनारे पैदल पैदल हम जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चलते हैं, बाकी बाद में देखे जाएंगे। और ये खूबसूरती नज़ारा देख सकते हैं गंगा मैया के बीच में, कैसे चिड़िया उड़ रही है। तो हम सीधा अब पैदल निकल चुके हैं त्रिवेणी घाट से। अब कहाँ जाएंगे अब हमें भी नहीं पता है। देख सकते हैं आप कैसा, कितना खूबसूरत नज़ारा है, और रास्ते भी ठीक ठाक ही हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं। हम एक जगह बैठ करके कुछ देर बाद फिर चल दिए। और आप जब भी ऋषिकेश आइएगा तो आप बहुत अच्छे अच्छे लोग को गंगा मैया के किनारे बैठकर साधना करते हुए देखिएगा। लोग शांति के लिए यहाँ ज़रूर आते हैं। देख सकते हैं आप वहाँ एक साधु जी बैठ करके अपना मौन धारण किए हुए हैं और अपना साधन में मगन है। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़, एक तरफ पानी, और इधर जिस तरह हम चल रहे हैं इधर समतल, मतलब कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो अब हम कुछ दूर पैदल चलते चलते लगभग 3 किलोमीटर के आसपास पैदल चले हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं, हम जानकी झूला के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अच्छा अच्छा दो चार फोटो खींच करके अब हम चल पड़े थे जानकी झूला के पास में, कि जानकी झूला के पास में चलते हैं अब हम लोग। जानकी झूला के रास्ते में ही यहाँ पे मोच धाम द्वार, जो कि इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। और यहाँ बगल में हमारे सीधे वहाँ पे लोगों को, मृत लोगों को जलाया जा रहा था। तो ये देखिए, यहाँ से है लक्ष्मण झूला, राम झूला, और भी बहुत सारे यहाँ से स्थान है जो कि घूमने योग्य है, दर्शनीय है। तो चलिए अब हम चलते हैं
वहीं पे सीधा पैदल रास्ता है, पैदल पैदल ही चलेंगे, ना कोई ऑटो ना कोई रिक्शा, सीधा चलते हैं। और अब जितना भी इसके आगे देखना है आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय।